जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं हजरत सरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, एक जगह कुछ मजमा था, लोग जमा थे। हजरत ने फरमाया पढ़ के देखो क्या है। कहते मैंने देखा एक शख्स ने ना माजल्ला सुम्मा माजल्ला शराब पी है और वो नशे में धुत है एक बड़े अच्छे वजादार घर का नौजवान और वो घिरा हुआ है और वो ऑल फॉल बातें कर रहा है और लोग वहाँ कुछ तमस्कर उड़ा रहे हैं और कुछ उसको वैसे देख रहे हैं तो मजमा लग गया। कहते हजरत सरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह को मैंने आके अर्ज की हुजूर चले एक आदमी ने शराब पी है और उसकी हालत खैर है तो लोग उसको देख रहे हैं। तो फरमाने लगे जुनैद क्या बात करते हो, इस हाल में छोड़ के चले गए और बंदा है मोमिन को। कहते हजरत अपनी छड़ी पे सहारा लेते हुए एक साइड से मेरा बाजू थामते हुए उस शख्स के करीब आए और चूंकि लोग बुजुर्गों का हया करते थे जितने लोग खड़े थे चलो अपना अपना काम करो, लोग सभी रुखसत हो गए। शेख मुझे कहने लगे एक प्याले में पानी पिलाओ। कहते मैं पानी लाया तो हजरत ने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, फिर उसके सर पे थपकी दी और कहा बेटा घर जाओ। और जब उठे मैंने उठते उठते उनकी दाढ़ी पर उनके आंसुओं को गिरते देखा, रो के कहने लगे मालिक मैं कमजोर बंदा हूँ, बेबस हूँ, मैं मुंह धो सकता हूँ, दिल तो नहीं ना धो सकता। मैं मुंह ही धो सकता था, वो मैंने धो डाला, दिल तेरे दस्त कुदरत में है, मेहरबानी फरमा दे। हजरत जुनैद फरमाते अगली सुबह जब तहज्जुद की नमाज के लिए हम पहुंचे तो वो जो कल असर का शराबी था आज तहज्जुद की नमाज के लिए बैठा। तो कहते फिर भी कोई बात नहीं जतलाई, जब एक कोने में बैठ गए तो जवान उठ के आया और हजरत के घुटने पे हाथ रख के रोया, कहने लगा बाबा तेरी दुआ में बड़ा असर है, कल तूने मुंह धोया था तो करीम रब ने दिल भी धो डाला, गर्म हो गया हमारे।